Good morning class, this is our new genetics class in which today we will study about the new topic of genetic, that is spontaneous abortion. Spontaneous abortion kya hota hai? Ke koi bhi fetus viable condition mein aane se pehle agar uterus se expel ho jata hai to hum usse spontaneous abortion kehte hain. आम भाषा में इसको मिसकैरेज भी कह सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या है? ये प्री मैच्योर एक्सपल्शन है कंसेप्शन के प्रोडक्ट का. कंसेप्शन के प्रोडक्ट मतलब चाहे वो एम्ब्रियो चाहे वो फीटस हो. प्री मैच्योर एक्सपल्शन मतलब डिलीवरी के टाइम से पहले ही बाहर निकल जाना. तो प्री मैच्योर एक्सपल्शन हो गया कंसेप्शन के प्रोडक्ट का, यूट्रस से बाहर निकलना. और कितना पहले? लगभग 20 हफ्ते पहले ही वो 20th वीक प्रेगनेंसी को हुई हो, प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते से ही पहले जब वो बाहर निकल जाता है तो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहलाता है या अबॉर्शन कहलाता है. अबॉर्शन दो तरह का हो सकता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस. स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो रहा है और इंड्यूस जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं. स्पॉन्टेनियस नेचुरल होता है और इसको हम मिसकैरेज भी कह सकते हैं, जबकि इंड्यूस्ड अबॉर्शन हमने इंटेंशनली परफॉर्म करवाया है. और जो एम्ब्रियो या फीटस इस अबॉर्शन के दौरान एक्सपेल्ड हुआ है, बाहर निकला है, उसे हम एबॉर्टस कहते हैं. तो टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ, दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड. स्पॉन्टेनियस का फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, स्पोराडिक या रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, जो कि वेरियस टाइप का है. थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड और सेप्टिक. इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल आप नाम नाम पढ़ लीजिए. डिटेल में आप इसे ऑप्स गाइनिंग ओबीजी जो आपके फोर्थ ईयर में आएगा वहाँ पे ये आपके डिटेल में आएगा. यहाँ हमारे डिटेल का टॉपिक नहीं है, हमें तो बस स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन पढ़ना है. इतना डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें नहीं जाएंगे कि क्या मिस्ट का क्या मतलब है, सेप्टिक का क्या मतलब है. जबकि इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है वो फिर दो तरह का हो सकता है, लीगल और इलीगल. इलीगल जो है वो जनरली सेप्टिक अबॉर्शन में आता है. सेप्टिक अबॉर्शन मतलब वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और वो इंड्यूस भी हो सकता है, पर मेनली इंड्यूस ही होता है. जब आप इलीगली करवा रहे हो तो ढंग से मेडिकल चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे होते हो, नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसमें सेप्सिस यानी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है. तो सेप्सिस इसके अंदर काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा होता है. ये काफ़ी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा जानलेवा भी है, जो इंडिया के अंदर तो बैंड है, आप नहीं करवा सकते, इसीलिए उसको इलीगल कह रहे हैं. अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की इटियोलॉजी क्या है, किस किस वजह से हो सकता है? तो मेनली इसके दो रीजंस होते हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर और एक दूसरा एंडोक्राइन फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर इसका फैक्टर है, यही रीजन है कि हम इसको जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं. क्योंकि कई लोगों के अंदर ऐसी फैमिली हिस्ट्री चल रही होती है कि अबॉर्शन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, किसी भी डिफेक्ट की वजह से, भाई यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर किसी भी तरह कोई दिक्कत आ रही हो और उसकी वजह से, या कोई हार्मोनल यानी एंडोक्राइन हार्मोन्स की वजह से आ सकती है, जैसे कि लो प्रोजेस्टेरोन लेवल. लो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है, अगर प्रेगनेंसी के तीसरे से चौथे महीने, शुरुआत के तीसरे चौथे महीने के अंदर देखा जा रहा होता है, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है. पढ़ा है ना ये आपने, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी आपको पढ़ाया गया था, सारी की सारी चीज़ें बताई गई थी, क्योंकि रिप्रोडक्शन टॉपिक है आप लोगों के, आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर एनाफिजियो के अंदर ये टॉपिक, जहाँ पर ये चीज़ें आई थी. तो जो कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी जिसको आप कह रहे होते हैं, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो है लगातार प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है और प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है. तीसरे महीने से प्रेगनेंसी के प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल और सिक्रीट करने लगता है, हाई लेवल सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम तो कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूटियम के स्टेज में वो रहता नहीं है, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है. तो बाद में कौन सिक्रीशन करता है? प्लेसेंटा करता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन. कोरियोन HCG का सिक्रीशन करता है ब्लड के अंदर, जिससे कि HCG स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को कंटिन्यूस और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता रहे. ये एक्टिविटी जो है वो
मेंस्ट्रुएशन को रोक करके रखती है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है, एम्ब्रियो फिटस को कंटिन्यू बनाए रखती है यूट्रस की लाइनिंग के अंदर। फर्टिलाइजेशन के 8th डे के बाद ऐसा होता है कि HCG जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड और यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि प्रेगनेंसी का टेस्ट है। इसका पीक सिक्रीशन 9वें हफ्ते के अंदर प्रेगनेंसी में हो रहा होता है HCG का सिक्रीशन। अब ये अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रह जाए, जो कि हाई होना चाहिए प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, तो वो मिसकैरेज कॉज कर देता है और कॉर्पस ल्यूटियम से इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होने लग जाता है प्रोजेस्टेरोन का। तब ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि मिसकैरेज हो गया। तो ये मेन इसकी पैथोलॉजी है या फिजियोलॉजी है। इसके अलावा भाई एंडोक्राइन हार्मोन के अलावा पहला जेनेटिक फैक्टर, दूसरा एंडोक्राइन हार्मोन, तीसरा इन्फेक्शन या डिजीज़ की वजह से हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज हो सकता है, मदर की एज जो बहुत बड़ा फैक्टर है मैंने आपको कई जगहों पर बताया, या फिर दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर भाई नियोनेटल हर्पिस किसी को हो जाए, ये इन्फेक्शन या हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन, साइटोमिगेलो वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया जैसे कि क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्म, स्ट्रेप्टोकोकस, ये 3 बैक्टीरिया है जो कि अबॉर्शन कॉज करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हो जाए, या अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ की वजह से भी जो है वो मिसकैरेज कॉज हो सकता है। चौथा इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज में अगर किसी लेडी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडीज जैसे कि ल्यूपस एंटीकोग्यूलेंट या एंटीकार्डियोलिपिन मौजूद रहती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, वो मिसकैरेज कॉज करवा देती है, जिससे कि बच्चा जो है वो मर जाता है। इसको अपन एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं, जिसमें माँ की एंटीबॉडी जो है वो बच्चे को मार देती है, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसके अलावा जो एज ऑफ मदर, अगर हाई मैटरनल एज है तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। अदर फैक्टर्स में एनवायरमेंट के केमिकल्स, टॉक्सिन्स, क्रॉनिक कोई बीमारी या स्ट्रेस भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एबॉर्शन के लिए। अब एबॉर्शन को मैनेज कैसे करेंगे भाई? तो अब एक चीज़ और बता दो, खैर मैंने इससे पहले कि मैंने फर्स्ट जो पॉइंट बोला था ना जेनेटिक फैक्टर, वो बता दीजिए जेनेटिक फैक्टर में क्या क्या आ सकता है। जेनेटिक फैक्टर के अंदर भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ सकता है, डाउन सिंड्रोम आ सकता है, जीन म्यूटेशन अगर हो गया हो, इनबॉर्न एरर जैसी कोई बीमारी पहले से अगर हो रही हो, क्रोमोसोमल एबरेशन किसी को हुआ हो, या जितने भी जेनेटिक डिजीजेस के आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारियां जो है वो, ट्राइजोमी वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे जो है वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कॉज करवाती हैं। अब इसके बाद मैनेजमेंट, यूजुअली फीटस और प्लेसेंटा जो है वो कम्प्लीटली यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं मिसकैरेज के बाद, पर अगर ये ना निकल पाए, उसका केवल कुछ पार्ट ही निकल रहा हो, तो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक अपन काम में ले सकते हैं स्पेशलिस्ट के द्वारा, जिसमें पहली आती है वैक्यूम एस्पायरेशन, दूसरा डायलेशन एंड कॉटेज, और तीसरा मेडिकल मैनेजमेंट। वैक्यूम एस्पायरेशन के अंदर यूट्रस में कोई रिमेनिंग टिश्यूज़ रह गए हैं तो उसको मैकेनिकल पंप से अपन रिमूव कर देते हैं। DNC में सर्विक्स को डायलेट किया जाता है, क्यूरेट को यूज़ करके अपन यूट्रस की लाइनिंग को स्क्रैप करके सारे टिश्यूज़ को बाहर निकाल जैसे घिस करके रगड़ करके अंदर डालेंगे क्यूरेट को, और फिर उससे स्क्रैप करेंगे, स्क्रैपिंग की जाती है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं भाई, अगर आप वैक्यूम नहीं कर रहे हैं, DNC काम में नहीं रहे हैं, तो आप ड्रग्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन से अंदर चीज़ें सारी बाहर आ जाती है, सारी चीज़ें मतलब लाइनिंग वगैरह, ये दिया जाता है जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा और रिमेनिंग टिश्यूज़ और एंडोमेट्रियम का एक्सपल्शन करवा देगा। मिसकैरेज के बाद हो सकता है भाई ब्लीडिंग हो रही हो कई हफ्तों तक, और उस ब्लीडिंग में ब्राइट रेड से पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा हो, और सक्शन प्रोसीजर की वजह से हो सकता है कि पेट में क्रैम्प्स आ रहे हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है कई हफ्तों तक, हो सकता है कि कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो वेजाइना से जिसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर हो, पर्सन को बुखार चढ़ सकता है, तो इन सब केसेस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बस इतना सा ही टॉपिक है आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जेनेटिक्स में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही लिखना है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिटेल में आप 4th ईयर में पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल में कोई नहीं पूछेगा इस टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए तक काफ़ी है।